नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में एक बार फिर से नशे की हालत में रिक्शा में सवार होकर चार युवकों ने तिलक नगर थाना की क्षेत्र की कॉलोनी में उत्पात मचाया, फूड डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की, तो वहीं कॉलोनी के रहने वाले रहवासी के घर में भी घुस गए और फिलहाल पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र स्थित महादेव नगर में ऑटो रिक्शा में सवार होकर चार युवक उत्पादन करते हुए कॉलोनी में पहुंचे और वहां पर कॉलोनी में फूड डिलीवरी करने के लिए पहुंचे युवक के साथ जमकर मारपीट करना शुरू करते हुए उसका मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद चारों युवक के कॉलोनी के ही रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर में भी घुस गए थे और वहां पर भी जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद रहवासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुंची और चारों युवकों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि सभी नशे के में थे, जिनमें से एक राहुल नामक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है और उसके अन्य तीन साथियों को भी पकड़ा जा चुका है। पुलिस का कहना है कि पुलिस उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगोल रही है, वहीं दूसरी ओर इन पर बड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी ताकि ये दोबारा से इस तरह से उत्पादन कर सके। पूरी घटना घर के सामने ही लगे हुए कुछ टीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें साफ तौर पर इन युवकों की पूरी हरकत नजर आ रही है। तिलक नगर जो थाना क्षेत्र है उसमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें बेसिकली कुछ लड़के हैं जो महादेव नगर, जो महादेव दोतला नगर है, वहां पर आपस में विवाद करते हैं और उस विवाद के ही दौरान एक वहां जो पड़ोसी थे वो आपस में, चूंकि उनके बीच में विवाद और मारपीट हो रही, तो वो अपना बचाव लेने के लिए ट्रांसपोर्टर के घर में भी घुस गए थे अपना बचाव करने के लिए। और इस बीच जब पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और जो वहां लोग आपस में विवाद झगड़ा कर रहे थे उनको सबको थाने पर लाया गया है और उनके विरुद्ध न केवल FIR की है बल्कि उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की और सभी के जो रिकॉर्ड है आपराधिक रिकॉर्ड अभी चेक किया जा रहा है तो उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई भी इसमें की जाए। हाँ, चूंकि ये आपस में दोस्त टाइप में चारों आपस में पहले मुझे लगता है कुछ मस्ती टाइप में आपस में किया और वो आपस में इस तरह से करते करते आपस में झगड़ा मारपीट होने लगा और उस मारपीट के दौरान ये मतलब अपना छुपाव हासिल करने के लिए या छिपने के लिए किसी दूसरे घर में चले गए थे। फिर जब ये शिकायत थाने पर आई तो मौके पर ही तत्परतापूर्वक पुलिस पहुंची है और सभी को थाने पर लाके कार्रवाई की गई। टाइम न्यूज़ देखिए